नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं आज की खबर पर। भाजपा के पराजित प्रत्याशी प्रीतम सिंह की भूख हड़ताल खत्म कराने आए शिवराज ने मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के धैर्य की परीक्षा ना लो, वरना मध्य प्रदेश ठप कर दिया जाएगा। झूठे प्रकरण वापस लिए जाएं और नए झूठे प्रकरण दर्ज ना किए जाएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा आए, जहां पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पिछोर से पराजित भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह के समर्थन में आए आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उग्र तेवर दिखाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सुन लो मुख्यमंत्री, भाजपा कार्यकर्ताओं के धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, वरना मध्य प्रदेश को ठप कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, वे वापस लिए जाएं और आगे से झूठे प्रकरण दर्ज करने से बचा जाए, वरना पिछोर से भोपाल मुख्यमंत्री निवास तक आंदोलन किया जाएगा। अंधावा के रेवड़ी चीन चीन के दे नहीं होने देंगे और जब पूरे मन पे ये संकट भी चढ़ाएंगे कि 2 लाख रुपए तक का सब किसानों का कर्जा माफ हो, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। कई तरह के वादे करके इन्हें वचन दिया। हमने कहा था हमने 500 रुपया क्विंटल सोयाबीन के डालेंगे, 500 रुपया क्विंटल मक्का के डालेंगे, धान 2500 खरीदेंगे, कोयटा मूंग का भापन कर देंगे, कोई को मिलेगा 500 रुपया सोयाबीन के? कर्जा माफ हो नहीं रहा, सोयाबीन के पैसे डाल नहीं रहे। गेहूं हमने 2100 रुपया खरीदने की बात की क्विंटल, और एक बात और किया, 4000 रुपया प्रति महीना बेरोजगारों को भत्ता देंगे, मिला कोई तो? कौन ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया? एक एक को निपट लेंगे, देख लेंगे। इस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर, समर्थकों पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। दर्जनों कार्यकर्ता श्री प्रीतम लोधी सहित केसों में फंसाए जा चुके हैं। अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठाई है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये कैसा लोकतंत्र है? क्या इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या इसलिए सरकार बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचल डाला जाए, दमन चक्र चला दिया जाए? पिछोर से फास्ट समाचार के लिए गौरव पाठक की रिपोर्ट।